गोरक्षनगरी में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भव्य आगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले शुक्रवार को ही गोरखपुर पहुंच गए। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को सुबह मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने जनकल्याण के लिए गोरखनाथ मंदिर में स्थित शक्तिपीठ में रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने देवादिदेव भगवान शिव से संपूर्ण विश्व के कल्याण, उद्धार, समृद्धि एवं शक्ति के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि नित्य की भांति सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। आवास से निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने बाबा गोरखनाथ जी महाराज के दरबार में पहुंचकर विधि विधान के साथ बाबा की पूजा अर्चना की। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर गए और उनका आशीर्वाद लिया। हमेशा की तरह उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण किया और व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। आधा घंटा गौशाला में गायों के साथ गुजारा। उसके बाद मुख्यमंत्री रुद्राभिषेक के लिए अपने आवास के शक्तिपीठ में पहुंचे। वहां आचार्यगण पहले से तैयारी के साथ बैठे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक कर लोक कल्याण की कामना की। ओम अनाथ बंदी पुष्पांजलि।